ससुर ने बहू के साथ किया कुछ ऐसा काम कि बेटे ने अपने पिता के कुल्हाड़ी से पहले तो टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा अपने पिता को जला डाला। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है जबलपुर की। जबलपुर में प्रमोद नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 26 साल। वह अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहा करता था। उसके पापा का नाम है सैल पटेल और उसके पापा ने प्रमोद को अच्छी तरह से पढ़ाया है, लिखाया है और खूब पैसे खर्च किए हैं प्रमोद के ऊपर। उसकी हर इच्छा पूरी की है सैल पटेल ने। दोस्तों, कुछ समय के बाद प्रमोद की सगाई कर दी जाती है पड़ोस के ही गाँव में और फिर आज से 6 महीने पहले उसकी शादी हो जाती है और अब उनके घर में एक नई नवेली दुल्हन आ जाती है। नई नवेली दुल्हन घर में आ जाती है और दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। इसी तरह से शादी के 6 महीने गुजर जाते हैं। शादी के 6 महीने जैसे ही गुजरते हैं तो एक दिन प्रमोद अपने दो दोस्तों को अपने घर भेजता है। उन दो दोस्तों का नाम होता है मनोज और आयुष और उनसे कहता है कि मेरे पिताजी को गाड़ी में बिठा कर ले आओ और उनसे कहना कि गोरखपुर जाना है किसी काम के लिए। तो वो दोनों दोस्त प्रमोद के घर जाते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि प्रमोद ने आपको बुलाया है, गोरखपुर जाना है किसी काम के लिए। तो प्रमोद का पिता, जिसका नाम सैल पटेल है, वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में प्रमोद भी गाड़ी में बैठ जाता है। दोस्तों, अब वो गोरखपुर की तरफ जाने लगते हैं और गोरखपुर पहुँचने से पहले ही रास्ते में एक जंगल पड़ता है हाईवे के पास में। वहाँ पर गाड़ी को रोक दिया जाता है और गाड़ी जैसे ही रुकती है तो प्रमोद गाड़ी से उतरता है और अपने पिता की कॉलर को पकड़कर घसीटता हुआ गाड़ी से बाहर निकालता है और उसको गाली गलौज करने लगता है। उसको फिर खींच करके जंगल की तरफ ले जाया जाता है हाईवे से दूर और वहां जाकर प्रमोद उसके ऊपर बुरी तरह से पिटाई लगाता है, उसको बहुत बुरी बुरी गालियाँ देता है। दोस्तों, जैसे पिटाई लगाने से मन भर जाता है प्रमोद का, उसके बाद वह अपनी गाड़ी में जाता है और वहाँ से एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाता है। कुल्हाड़ी को लाकर के अपने पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वह वार करने लगता है और देखते ही देखते उसके पिता के शरीर के टुकड़े जैसे हाथ पैर ये कट कट के जमीन पर गिरने लगते हैं। दोस्तों, एक बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इस बात की जानकारी हमें लास्ट में मिलेगी। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद उसका पिता लहूलुहान हो जाता है, उसके सामने दया की भीख मांगता है, लेकिन बेटे के सर पर खून सवार था। अब दोस्तों, जैसे वह अपने पिता के टुकड़े टुकड़े कर देता है और पिता बिलखता रहता है उसके सामने, तो वह गाड़ी में फिर से जाता है और गाड़ी से एक पेट्रोल की कैन उठाकर लेकर आता है। लाकर के उस कैन को अपने पिता के ऊपर उड़ेल देता है पेट्रोल को और फिर जेब से माचिस निकालता है और जलती हुई माचिस की तिल्ली को अपने पिता के ऊपर फेंक देता है। बहुत ही जल्दी आग पकड़ जाती है पिता की बॉडी और फिर उसका पिता तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन बेटे की आंखों में शर्म थोड़ी सी भी नहीं थी। वह अपने पिता को जलता हुआ बिलखता हुआ देख रहा होता है और उसके दोनों दोस्त भी वहाँ पर चुप खड़े हुए ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। उसके बाद जैसे उसका पिता मर जाता है, वह वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और प्रमोद अपने घर ऐसे आ जाता है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। फिर एक दिन गुजरता है तो पिता की खोजबीन करते हैं वो लोग। फिर प्रमोद खुद ही पुलिस थाने में जाता है और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज करवाता है जिससे कि पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो। पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और फिर पुलिस को पता लगता है कि गोरखपुर जाने वाले रास्ते में बीच जंगल में एक डेड बॉडी जली हुई पड़ी है। पुलिस वहां जाती है और वहां जाने के बाद फिर पुलिस प्रमोद को बुलाती है और उससे शिनाख्त करने के लिए कहती है। प्रमोद शिनाख्त कर लेता है क्योंकि उसी का पिता था, उसी ने वह कांड किया था, यह तो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहा था। उसके बाद पुलिस मामले की छानबीन और तेज़ी से करने लगती है क्योंकि उसको मालूम पड़ जाता है कि यह मामला कत्ल का है। पुलिस खूब छानबीन करती है लेकिन 7 दिन तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे इस मर्डर की मिस्ट्री सुलझाई जाए। दोस्तों, फिर 7-8 दिन के बाद पुलिस प्रमोद के घर आती है और प्रमोद की माँ से कुछ सवाल जवाब करते हैं। प्रमोद की माँ से पुलिस वाले कहते हैं कि आखिरी बार सैल पटेल यानी कि तुम्हारा पति किसके साथ गया था घर से। तो प्रमोद की माँ कह देती है कि मेरा पति मेरे बेटे के दोस्तों के साथ गया था, उन दोस्तों का नाम है मनोज और आयुष। बस दोस्तों, फिर क्या था, पुलिस को क्लू मिल गया और पुलिस आयुष और मनोज को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। आयुष और मनोज ज़्यादा देर ठहर नहीं पाते हैं, थोड़ी देर में वो टूट जाते हैं और पुलिस के सामने सारी घटना को बयां कर देते हैं और बताते हैं कि प्रमोद के कहने पर हमने ऐसा किया था और प्रमोद ने ही अपने पिता को मारा है।
अब पुलिस प्रमोद को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रमोद टूट जाता है और सारी घटना अपने मुंह से बताने लगता है। और प्रमोद कहता है कि मैंने अपने पिता को इसलिए मारा है क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे घर में मेरी पत्नी आई थी और मेरी पत्नी को वो रात दिन तकता रहता था, उसके ऊपर गंदी नज़र रखता था और उसको छेड़ता भी रहता था और मैं चुपचाप बैठा हुआ ये तमाशा देखता रहता था। ना ही मैं पिताजी से कुछ कह सकता था, ना ही माँ से कुछ कह सकता था। इसलिए मैंने एक दिन सोचा कि इस पिता को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी जाकर घर के अंदर शांति स्थापित होगी। इसलिए मैंने अपने पिता को मारा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह मामला किसी और तरीके से सुलझाया जा सकता था या नहीं सुलझाया जा सकता था? यहाँ पे प्रमोद ने क्या गलत किया या सही किया? उसके पिता ने गलत किया या सही किया? किसके कौन यहाँ पे गुनहगार है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उन दो दोस्तों के बारे में भी ज़रूर कहें जो सारा कांड होते हुए अपनी आँखों से देख रहे थे और किसी को भी रोक नहीं रहे थे। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के वीडियोज़ में बनाकर लेकर आता हूँ अपने चैनल तिरछी बात पर, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारी ये घटनाओं के वीडियोस अच्छे लगते होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए। जय हिंद, जय भारत।